रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के 15th एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉडीगार्ड, हीरो और बेस्ट फ्रेंड को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ बेस्ट फ्रेंड बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुम एक्सीडेंट की चिंता मत करो, पुरानी कहावत है कांच का टूटना शुभ माना जाता है। जिस पर बॉडीगार्ड बोलता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी हमें मारने की। मुझे पुलिस का कॉल आया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है कि कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और मुझे विश्वास है ये काम यंग मैन ही कर सकता है, क्योंकि जब आप पिंगजोंग में थे तब भी उसने आपको मारने के आदेश दिए थे। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मैं तो यंग मैन को केवल एक बुरा इंसान समझता था, परंतु वो तो हत्यारा है, वो तो किसी को भी मार सकता है। हमें ये बात लेडी ऑफिसर को बतानी चाहिए ताकि वो यंग मैन को गिरफ्तार कर सके। उसी समय लेडी ऑफिसर की एंट्री होती है और इस बारे में वह हीरो के लिए एप्पल लाई है। फिर लेडी ऑफिसर बेस्ट फ्रेंड की बात का जवाब देते हुए बोलती है कि मैं यंग मैन को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इस बात का ना कोई गवाह है और ना कोई सबूत। अगर मैं उसे गिरफ्तार कर भी लेती हूँ तो वह 24 घंटे में वापस छूट जाएगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। फिर जूनियर का लेडी ऑफिसर को कॉल आता है और वह बताता है कि पुरानी कारीगर के ठिकाने का पता लग गया है, जिसने बॉस यू को मारने के लिए नुकीला हथियार बनाया था। हमें जल्द ही वहाँ जाना होगा। फिर कॉल कटने के बाद लेडी ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी ऑफिसर और जूनियर को पुरानी कारीगर के ठिकाने पर दिखाया जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर कारीगर से पूछती है कि हमें शक है, एक टकेत तुम्हारे यहाँ से एक नुकीला हथियार लेकर गया था और हमें तुमसे पूछताछ करनी है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस पर कारीगर बोलता है कि कई पीढ़ियों से मेरा परिवार खतरनाक हथियार बनाने में सर्वश्रेष्ठ है। मेरे परिवार ने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हैं जो बंदूक की गोली से भी तेज और बिना आवाज किए शिकार को कब खत्म कर दे पता नहीं चलता। और अब धीरे धीरे मेरा परिवार इस खतरनाक हथियार बनाने के काम से लुप्त होने लगा है। बहुत कम लोग ही बचे हैं जो अभी भी पारंपरिक तरीकों से हथियार बनाते हैं। लेडी ऑफिसर, आपको पता है कि उस डकैत ने जाने से पहले मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं हाफ ब्लाइंड हूँ। ऐसे लोग सबूत को पहले ही मिटा दिया करते हैं। उसे पता था कि एक दिन आप मुझ तक पहुंच जाएंगी और मुझसे पूछताछ भी कर लेंगी तो भी आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर लेडी ऑफिसर बोलती है कि आपको नहीं लगता कि आप ऐसे कातिलों के लिए हथियार बनाकर अपने हाथ भी खून से रंग रहे हैं? इस पर कारीगर बोलता है कि मेरी पूरी पीढ़ियों के हाथ खून से रंगे हैं। अगर आप हथियार बनाने के व्यवसाय में हैं तो कभी ना कभी आपको खून तो देखना ही पड़ेगा। और वैसे भी हथियार बनाना मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मुझ पर मेरे परिवार द्वारा थोपा गया काम था, और मैंने अपने पूरे जीवन भर खतरनाक हथियार ही बनाए हैं और अंतिम सांस तक ऐसे ही हथियार बनाते रहूँगा। और जिस डकैत को आप ढूंढ रही हैं वह मुझसे भी लंबा था, ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही पतला था, वह हल्के पैरों से चलता था। ऐसा लगता था मानो जैसे उसने हवा में चलने की ट्रेनिंग ली हो। उसकी उंगलियां सॉफ्ट थी, परंतु जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो उसका हाथ बहुत कठोर था, और उसने बताया था कि वह कलेक्टर है और वह नुकीले हथियार अपनी शौक के लिए रखता है। और हाँ, उसके शरीर से एक लेडी की स्मेल आती थी जो कि अंबरग्रिस परफ्यूम की लगती है। फिर सीन्स होता है और हमें यंग मैन और कार मैकेनिक को बात करते हुए दिखाया जाता है। ये वही कार मैकेनिक होता है जिसने हीरो की कार के ब्रेक फेल किए थे। फिर थोड़ी देर बाद हमें यंग मैन को अंकल जू और अंकल किन के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ अंकल किन बताते हैं कि मेरा कीव से आने का पहला कारण ब्यूटीफुल लेडी की देखभाल करना था और दूसरा मुझे यंग मैन से मिलना था। अक्सर ब्यूटीफुल लेडी यंग मैन के बारे में बात करती थी। इस पर यंग मैन बोलता है कि अंकल किन, मैं ब्यूटीफुल लेडी को अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए। मैं ब्यूटीफुल लेडी के प्रति ईमानदार भी हूँ। जब मुझे पता लगा कि ब्यूटीफुल लेडी के साथ एक हादसा हो गया है तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने ब्यूटीफुल लेडी की सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर को हायर किया है, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ब्यूटीफुल लेडी को दोबारा कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर अंकल किन यंग मैन को ब्यूटीफुल लेडी की इतनी परवाह करने के लिए धन्यवाद देते हैं और अंकल जू से बोलते हैं कि आपका भतीजा एक गुड लुकिंग और टैलेंटेड बॉय है और मेरा मानना है कि यह भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करेगा। इस पर अंकल जू बोलते हैं कि जू और किन परिवारों का भविष्य अब इन यंग जनरेशन के हाथ में है और मैंने आपको एक दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। अंकल जू यंग मैन को इसके बारे में बताने के लिए बोलते हैं। यंग मैन बताता है कि हमारे पास प्राचीन काल की प्राचीन वस्तुएं हैं जिनका लोकल मार्केट में वैल्यू कम है, और हम जानते हैं कि आपका विदेशों में कारोबार काफ़ी फैला हुआ है। अगर इन प्राचीन वस्तुओं को विदेशी मार्केट में बेचा जाए तो बहुत अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, और बेचने से मिले प्रॉफिट को हम 4 से 6 के रेशो में बांट सकते हैं। इस पर अंकल किन बोलते हैं कि इसमें लॉजिस्टिक की समस्या रहेगी क्योंकि माल को कस्टम से क्लियरेंस कराना होगा। इस पर यंग मैन बोलता है कि हमारी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है,
मैं इस बार कीमती पत्रों के साथ प्राचीन वस्तुओं को भी एक्सपोर्ट कर दूंगा और कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, बाकी आगे आप देख लेना। और यह डील यही फाइनल हो जाती है। फिर सीन शूट होता है और हमें ब्यूटीफुल लेडी और अंकल किन को बात करते हुए दिखाया जाता है। ब्यूटीफुल लेडी बोल रही होती है कि अंकल जो और यंग मैन दोनों ही चालाक लोमड़ी है, उनको पता है विदेश में अपना कारोबार काफी फेल हुआ है, इसलिए वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं और अपने माल को स्मगलिंग करके विदेश में बेचना चाहते हैं, और वैसे भी स्मगलिंग के काम में आपका शामिल होना सही नहीं है। इस पर अंकल किन बोलते हैं कि जो शेर हिरण का पीछा कर रहा होता है उसे खरगोश की परवाह नहीं होती। अब मुझे पता है कि शेर हिरण खरगोश वाला डायलॉग आपको सुनने में तो अच्छा लगा, परंतु इसका मतलब आपको समझ नहीं आया, और वो मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अंकल किन का कारोबार विदेश में फैला हुआ है, वैसे ही अंकल जू का कारोबार चीन के लोकल मार्केट में फैला हुआ है। अगर स्मगलिंग के छोटे से काम से ये दोनों कारोबार एक हो सकते हैं तो इसमें किन कॉरपोरेशन का ही फायदा है। और अंकल किन ब्यूटीफुल लेडी को आगे बोलते हैं कि वैसे भी यंग मैन तुम्हारी काफ़ी परवाह करता है और तुम्हें इस सौदे को अलग नज़रिए से देखना चाहिए। फिर हमें मॉर्निंग में ब्यूटीफुल लेडी और हीरो को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ हीरो एक्सीडेंट के बारे में ब्यूटीफुल लेडी को बता रहा होता है कि हमारे एक्सीडेंट के पीछे यंग मैन का प्लान था, परंतु हमारे पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस पर ब्यूटीफुल लेडी हीरो से बोलती है कि एक्सीडेंट से संबंधित मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, परंतु कल रात अंकल जो ने मेरे पिताजी को प्राचीन वस्तुओं के स्मगलिंग के काम के लिए बुलाया था, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने मेरे पिताजी का फायदा उठाया हो, वह हमेशा से ही ऐसा करते हैं। अगर हम इस स्मगलिंग वाले केस में यंग मैन के खिलाफ कोई सबूत कलेक्ट कर ले तो उसे गिरफ्तार करवाया जा सकता है। इस पर हीरो पूछता है कि हम यंग मैन के खिलाफ सबूत कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर ब्यूटीफुल लेडी बताती है कि जो कॉरपोरेशन अपने माल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा कस्टम से क्लियरेंस करवाने वाले हैं, अगर हम कस्टम क्लियरेंस से पहले ही उनका माल पकड़वा दें तो हमें सबूत मिल सकते हैं। फिर हीरो ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम पूछता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो और बेस्ट फ्रेंड को ट्रांसपोर्ट कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ हीरो अपना माल ट्रांसपोर्ट करवाने के बहाने से ट्रांसपोर्ट कंपनी के रजिस्टर से जो कॉरपोरेशन के ऑर्डर की सारी डिटेल अपनी गोल्डन आई से देख लेता है, और थोड़ी देर बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन लेडी ऑफिसर को कॉल करके बता देता है। फिर हमें लेडी ऑफिसर को हीरो की शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर हीरो को बताती है कि हमें कुछ क्लू मिले हैं, हमें पता लगा है कि कार मैकेनिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के बॉस का साला है, और कहीं बड़े बड़े मौकों पर जो कॉरपोरेशन ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के अकाउंट में बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की है, और हम जब स्मगलिंग के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे तब कार एक्सीडेंट और स्मगलिंग दोनों केस की साथ साथ पूछताछ की जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि यंग मैन को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिर थोड़ी देर बाद टीचर जय गुस्से में वहाँ आती है और बेस्ट फ्रेंड से अकेले बात करने के लिए बोलती है। हीरो और लेडी ऑफिसर बाहर चले जाते हैं और दोनों की बातें सुनने लगते हैं। टीचर जिया अपना फेस मास्क हटाती है और बेस्ट फ्रेंड को अपना फेस दिखाती है, जिसमें उसे बेस्ट फ्रेंड द्वारा भेजे गए फ्लावर से एलर्जी हो गई होती है। फिर टीचर जिया बोलती है कि ये फ्लावर्स तुमने मुझे क्यों भेजे। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा तो तुम खुश हो जाओगी। फिर टीचर जिया बोलती है कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे इन फूलों से एलर्जी है। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं। फिर टीचर जिया दोबारा बोलती है इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए था, और टीचर जिया बेस्ट फ्रेंड से नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कार मैकेनिक को दिखाया जाता है जो जो कॉरपोरेशन के माल को ले जा रहा होता है। बीच रास्ते में पुलिस उसे रोकती है और लेडी ऑफिसर और जूनियर सामान को चेक करते हैं और सारे सामान को जब्त कर लेते हैं। फिर हमें अंकल किन और अंकल जू को कॉल पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां अंकल किन अंकल जू से पूछते हैं कि आप दोनों तो सुरक्षित हैं ना। इस पर अंकल जू बोलते हैं कि मैं तो ठीक हूँ और छिपने के लिए नई लोकेशन पर आ गया हूँ, परंतु यंग मैन अभी तक नहीं आया। फिर अंकल किन बोलते हैं कि मैं आपसे कल मिलता हूँ और आपको किस चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना। फिर कॉल कटने के बाद असिस्टेंट अंकल किन को बताता है कि अंकल जू की लोकेशन का पता लग गया है, जिस पर अंकल किन बोलते हैं कि फटाफट ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूटीफुल लेडी और लेडी ऑफिसर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ यंग मैन भी उनकी बातें सुन रहा होता है। लेडी ऑफिसर स्मगलिंग का माल पकड़वाने में मदद करने के लिए ब्यूटीफुल लेडी का शुक्रिया अदा करती है। तभी यंग मैन गुस्से में ब्यूटीफुल लेडी को मारने वाला होता है कि लेडी ऑफिसर यंग मैन को दबोच लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। फिर यंग मैन बोलता है कि मुझे तुम सबके चेहरे याद है, मैं जब वापस आऊंगा तब तुम सबको देख लूंगा। यंग मैन को पकड़ने के बाद लेडी ऑफिसर ब्यूटीफुल लेडी से बोलती है कि आप अकेले ही बाहर ना निकले, आप पर ऐसे ही दोबारा हमला हो सकता है, और जाने लगती है।
तभी लेडी ऑफिसर को ब्यूटीफुल लेडी से एक परफ्यूम की स्मेल आती है और लेडी ऑफिसर को याद आता है कि ये वही स्मेल है जो कारीगर ने बताया था। क्या ब्यूटीफुल लेडी तो वो लेडी नहीं है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल किन और असिस्टेंट को बात करते हुए दिखाया जाता है। उनकी बातें ब्यूटीफुल लेडी भी सुन रही होती है। असिस्टेंट बोल रहा होता है कि हमने लोकल मार्केट से जो कॉरपोरेशन को हटा दिया है और जल्द ही लोकल मार्केट पर हमारा कब्जा होगा। अब हमें यहाँ अंकल किन के दोहरे चरित्र के बारे में पता लगता है, जहाँ एक तरफ वह ब्यूटीफुल लेडी के सामने अच्छे इंसान और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ एक अजगर की तरह है जो सब कुछ निगल लेना चाहता है। फिर असिस्टेंट अंकल किन से पूछता है कि अब हीरो का क्या करना है और अंकल किन बिना जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं एपिसोड के लास्ट सीन की तरफ, जहाँ हीरो और अंकल डा को बात करते हुए दिखाया जाता है। अंकल डा हीरो को बोलते हैं कि पिंगजोऊ एग्जीबिशन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहाँ एक तरफ जू कॉरपोरेशन ने फ्रॉड किया और पकड़े गए और दूसरी तरफ तुमने बहुत सारे जेडस्टोन प्राप्त किए और काफी फेमस हो गए। फिर अंकल डा हीरो के मजे लेते हुए बोलते हैं कि तुम तो अब बड़े आदमी हो गए हो, अब तुम तो अपने काम में व्यस्त हो जाओगे और मुझे भूल जाओगे। जिस पर हीरो बोलता है कि जब पानी पीने के लिए कुआं खोदा जाता है तो पानी पीने के बाद उसे भूला नहीं जाता, और अंकल डा आप मेरे गुरु हैं, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर डोरबेल बजती है और हीरो गेट खोलता है, तभी दरवाजे पर मैनेजर ली को दिखाया जाता है और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सोन।